शाश्वत सिंह, यू वाचिंग टेक फाइबर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके फोन की स्क्रीन पे जो नीचे बटन्स आते हैं बैक, होम और रिसेंट, उनको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, उनको आप डिफरेंट कमांड्स लगा सकते हो, उन पे आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डबल टैप, सिंगल टैप, थीम्स, कुछ भी लगा सकते हो या विदाउट रूट। चलो यार बताता हूँ कैसे करते हैं। तो यार जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐप बताऊंगा उसके दो नखरे हैं यार, मुझे नखरे बोलने की आदत हो गई अब तो यार इस ऐप के दो नखरे हैं। फर्स्ट नखरा ये है कि इस ऐप को चाहिए आपका एंड्रॉइड फोन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 7.0 के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपका अगर नोगट होगा एंड्रॉइड फोन, नोगट पे चल रहा होगा एंड्रॉइड 7.0 नोगट पे, तब फिर ये ऐप अच्छा काम करेगा। उससे ऊपर फॉर एग्जांपल नोगट के बाद ओरियो आता है, ओरियो 8.0, 8.1, उन पे भी काम अच्छे से करेगा। लेकिन ये जो ऐप है वो नोगट से नीचे काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका फोन होगा मार्शमेलो या फिर लॉलीपॉप पे चलता हुआ तो ये काम नहीं करेगा। तो यार पहले ये चीज नोट कर लेना एंड देन इस वीडियो को ट्राई करना अपने फोन में। सेकेंड बात ये, इसके अंदर आपको परमिशन देनी होगी पीसी नहीं तो रूट से। तो मैं बिना रूट के जा रहा हूँ, मेरे पास पीसी है, तो फिर मैंने अपना एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो को रूट नहीं किया अभी तक, तो फिर मैं रूट भी नहीं करने वाला जब तक वारंटी में है, क्यों रूट करूँ। तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस ऐप को कैसे सेट कर सकते हो और साथ ही साथ ये जो नीचे तीन बटन आते हैं बैक, होम और रिसेंट, उनको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो यार विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइज अभी आप लोग देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो आ रही है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन जिसके ऊपर टेक फाइबर का एक लोगो लगा हुआ है। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा ये कंप्यूटर स्क्रीन है। और राइट साइड में एक छोटा सा पैनल आ रहा होगा जहाँ पे मेरी फ़ोन की स्क्रीन होगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर आप लोगों को मैंने अभी बताया था इंट्रो में भी कि अगर आप लोगों को नहीं पता ADB कैसे सेट करते हैं तो फिर आप जाके उस वीडियो को पहले देख लो, क्योंकि इस वीडियो में उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो फिर चलिए अभी बताते हैं आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे स्टार्ट मेन्यू पे, कंप्यूटर में बात आ रहा हूँ। कंप्यूटर में जाने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो एजेंसी कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका, तो इसको आपको सीधा टैप करना है। टैप करने के बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। एक्चुअली मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा कस्टमाइज़ किया, नहीं तो ब्लैक बैकग्राउंड आता है और वाइट टेक्स्ट आता है। तो फिर इसके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट ही है। तो फिर जैसा आप लोग देख सकते हो सी यूजर्स टेक फाइव शाश्वत फॉर TF लिख के आ चुका। तो अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे ADB जिससे ADB मॉड्यूल स्टार्ट हो जाए। एंड देन अभी हम लोग डालेंगे एक और ADB डिवाइसेस। जैसे आप एंटर करते हो तो लिस्ट ऑफ डिवाइसेस तो ज़ीरो आ रही है। अब मैं अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाला हूँ, तो ये किया मैंने कनेक्ट, कनेक्ट कर दिया मैंने। और ये आपके फ़ोन पे अभी आप लोग भी मेरे फ़ोन पे आप लोग देख सकते हो USB चार्जिंग दिस डिवाइस आ रहा है। तो उसको आपको टैप करना है एंड देन आपको करना है ट्रांसफ़र फाइल्स, क्योंकि वो ज़रूरी है आपको अपने फ़ोन के अंदर अगर परमिशन देनी है तो फिर आपको उस अलाउ करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र फाइल्स वाले मॉड्यूल को टैप करना होगा। तो अभी आप लोग एक बार चेक कर लो अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में USB डिबगिंग कनेक्टेड करके आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है। चलो यार अब बताता हूँ करना क्या है। तो अब वापस आपको वही कमांड डालना है ADB डिवाइसेस वाला अपने कंप्यूटर पे। तो एज यू कैन सी अब ये डिवाइस यहाँ पे चालू हो चुका है और मेरे फ़ोन का सीरियल नंबर भी आने लगा। तो चलो यार अब बताते हैं आगे करना क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना फ़ोन टैप करना है, फ़ोन को खोलना है एंड देन आपको उसमें प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है कस्टम नेविगेशन बार एंड देन सर्च कर देना है उसके लिए। और आपके सामने एक कस्टम नेविगेशन बार Paphonb की तरफ से आता है, 2.5 MB का है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। याद रखिएगा ये ऐप सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड 7.0 के ऊपर ही चलेगी और उन ऐप्स के उन फ़ोन्स के ऊपर चलेगी जिसके ऊपर ऐसा कुछ नेविगेशन बार आता हो, जैसे बैक, रीसेंट, होम, वैसा कोई नेविगेशन बार है या फिर नहीं वो आपको पहले चेक करना होगा। तो इसको पहले आप लोग ओपन कर लो। एंड ओपन करने के बाद आपके सामने वेलकम स्क्रीन आ रही है, कस्टम नेविगेशन बार, वेलकम वेलकम वेलकम। करो इस एरो बटन को टैप। तो टैप करते हैं हम लोग और यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, ग्रांट यूजिंग PC, ग्रांट यूजिंग रूट, ग्रांट यूजिंग एक्सपोज। अगर आपके पास कोई रूटेड फ़ोन है उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो आप लोगों को PC की कोई ज़रूरत नहीं है सबसे पहली बात। अगर आपके पास एक्सपोज मॉड्यूल है तो भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास PC है और मेरा फ़ोन रूटेड भी नहीं है, तो फिर मैं ग्रांट यूजिंग PC करूँगा।
तो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको क्या क्या करना है. वेल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ADB कैसे सेट करते हैं. और अब हम लोग को सिंपली शेल के अंदर जाना है. तो ये यहाँ पे बोल रहा है टाइप ADB शेल. चलो ADB शेल टाइप करते हैं. ADB शेल एंड देन एंटर. या शेल के अंदर हम लोग घुस गए हैं, डॉलर आने लगा है. और हम लोग को यहाँ पे ये वाला कोड डालना है, PM grant XYZ Paphonb system UI tuner वाला जो है. तो इसको टाइप करते हैं PM space grant space XYZ dot Paphonb dot system UI tuner space Android dot permission dot write underscore secure अंडरस्कोर सेटिंग्स. तो ये आपको टाइप करना है, देन करना है एंटर. तो एंटर करने के बाद आपके सामने अभी आप लोग देख सकते हो सेफ्टी फर्स्ट करके कुछ तो आ रहा है, स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है. तो आपको ये स्टार्ट बटन जो इधर आ रहा है उसको दबाना है. एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा एरो आ रहा होगा नीचे, तो उसको आपको क्लिक करना है, मतलब कि अपने फ़ोन पे टैप करना है. और अब सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको कहते हैं फिनिश. तो अब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकलते हैं और USB को डिटैच करते हैं. तो उससे निकलने से पहले आप लोगों को पहले शेल एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट होना पड़ेगा. तो शेल से पहले एग्जिट होते हैं, तो शेल के अंदर हम लोग टाइप करते हैं EXIT एंटर. सॉरी, मैंने कैपिटल में लिख दिया, EXIT स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, एंटर कर दो. शेल से निकल चुके हैं आप लोग. फिर बाद में आपको वापस टाइप करना है EXIT एग्जिट, एंटर कर देना है, कमांड प्रॉम्प्ट बंद. अब हम लोग चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को करना क्या है. सो चलो यार, फ़ोन की स्क्रीन पे अब चलते हैं, लेट्स गो. तो आप लोग देख सकते हो हम लोग कस्टम नेविगेशन बार के अंदर आ चुके हैं. तो यहाँ पे ये जो 3-डॉट मेन्यू है, इसके अंदर आप लोगों को मिलता है डार्क थीम, जिसको आप लोग इनेबल कर सकते हो. मुझे डार्क थीम बहुत पसंद है, मैंने उसको इनेबल कर दिया अभी. तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है नेविगेशन बार और इमर्सिव मोड. तो हम लोग को इन्हीं दो चीज़ों से मतलब है, आप लोगों को भी इसी से होना चाहिए. और आप लोगों को ज़्यादा पसंद है और आपको ऐड्स निकालने अपने इसमें से कस्टम नेविगेशन बार के ऐप में से, तो फिर आप इसको टैप करके थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हो. थोड़े बहुत इन द सेंस 130 रुपये आप खर्च कर सकते हो, तब आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा. नहीं तो आप लोग बेसिक वर्जन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो हम लोग अभी चलते हैं नेविगेशन बार वाले मेन्यू में. एंड देन नेविगेशन बार वाले मेन्यू में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं. और यहाँ पे एक आता है लेआउट. तो लेआउट के अंदर आप लोग सेट कर सकते हो लेफ्ट लीनिंग. एज यू कैन सी ये चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत. और लेफ्ट लीनिंग किया तो ये लेफ्ट साइड थोड़ा बहुत ज़्यादा बेंड हो चुका है. अगर मैं इसको पोर्ट्रेट में कर दूँ अपने फ़ोन को, तो एज यू कैन सी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा जा चुका है. राइट लीनिंग कर देते हैं तो राइट में चला गया. कॉम्पैक्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत स्पेस आ जाता है इन सब के बीच में. टैबलेट मोड कर देते हैं तो पिक्सल सी में जैसा आता है आप लोगों को वैसा मिलता है. एंड देन सेंटर कर देते हैं तो एकदम चिपके चिपके आ जाते हैं, जैसे ऑनर के फ़ोन से मिलता है. तो मैं करूँगा नॉर्मल, क्योंकि मुझे नॉर्मल ज़्यादा पसंद है. फिर बैक करते हैं यहाँ पे. एंड देन इन्वर्टेड, अगर आप लोगों को रिसेंट की जगह बैक पसंद है, उल्टा जो भी रहता है, तो आप इधर वो सेट कर सकते हो आप लोगों को पसंद आए. तो फिर हमें नॉर्मलाइज बटन साइज, ये मीन्स जैसा आपके स्क्रीन जैसा रहेगा, जैसा जैसा उसके ऊपर कंपोनेंट्स रहेंगे उसके हिसाब से उन बटन को सेम साइज का कर देगा. फिर हमें थीम का यहाँ पे ऑप्शन आता है. ये एक मेन पार्ट है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो प्रो वर्जन खरीदने के बाद. इधर आपको बहुत सारी थीम मिलती हैं, S8 इनविजिबल, होलो, मटेरियल फील्ड और बाकी सब ब्ला ब्ला ब्ला. तो यहाँ से आप उन सब चीज़ों को खरीद सकते हो और देख भी सकते हो. तो एक्सपेरिमेंटल ट्वीक्स अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर मेरे फ़ोन में बैक बटन नहीं चाहिए होगा, तो फिर मैं यहाँ पे मैं स्केप में करना भूल गया था. तो जहाँ पे टाइप आ रहा है, एज यू कैन सी मैं अभी बैक वाले सेक्शन में हूँ, तो टाइप में मैं इसको असाइन कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल, टेक स्क्रीनशॉट. तो बहुत इजी तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट इसको असाइन कर दिया है. मैं अभी वॉल्यूम बटन और इसको टैप नहीं करने वाला पावर बटन को, क्योंकि एक्चुअली मेरे ये वीडियो को भी ख़राब कर देगा. तो अब हम लोग टैप करते हैं इसी बटन को और स्क्रीनशॉट खींच गई. वापस टैप करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच गई. इसी तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो बहुत इजी तरीके से. लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ इसको आप लोग चेंज मत करो. अगर आप लोगों को चेंज करना है तो फिर आप उसको वापस बैक होम ओवरव्यू वापस बना दो. जैसे की कोड में जाके की कोड आप इसको असाइन कर दो बैक.
एंड देन बैक के लिए आप आइकन को असाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शेवरॉन लेफ्ट अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो. तो यहाँ पे छोटा दिख रहा है पोर्ट्रेट मोड में, थोड़ा बहुत अलग लगेगा, ऐसा लग रहा है छोटा सा बच्चा है तो उसकी तरह लगेगा. इसी तरीके से आप बाकी सारे बाकी दो को भी आप असाइन कर सकते हो ऐसे कोई भी कमांड. लेकिन याद रखिएगा अगर आप इसके ऊपर कुछ भी लगाते हैं तो फिर आप उसमें जो लॉन्ग प्रेस वाले एक्शन रहते हैं, जब फॉर एग्जांपल आप होम बटन को दबा के रखते हो तो गूगल असिस्टेंट जो रहती है वो आ जाती है, तो फिर आप उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे चेंज इमर्सिव सेटिंग्स है, आप लोगों को इमर्सिव मोड अगर पता होगा क्या होता है, तो अगर आप स्टेटस ये दो जो ऑप्शन है उनको चालू कर देते हो तो कोई भी ऐप के अंदर आपका स्टेटस बार और जो नेविगेशन बार है वो पूरी तरीके से हट जाएगा, चाहे आप जहीं कहाँ जहाँ कहीं भी हो. फॉर एग्जांपल मैं अभी प्ले स्टोर में हूँ, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मेरे फ़ोन के अंदर अभी नेविगेशन बार तो नहीं आ रहा. तो चलो यार वापस CNB में चलते हैं, उन सबको बंद करते हैं. और बाद में एक्स्ट्रा लेफ्ट बटन, फॉर एग्जांपल अभी ये तीन बटन तो आ रहे हैं, ये और ये, तो इसकी जगह पे आप अपने फ़ोन के अंदर राइट एज पे भी एक बटन लगा सकते हो, साथ ही साथ लेफ्ट एज पे भी. तो फिर आप उसको लगाने के लिए वैसे जैसे आप लोगों को बताया आप बैक को चेंज करते हो वैसे आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टेक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैं इसको टैप करता हूँ स्क्रीनशॉट खींच जाती है. और एक्स्ट्रा राइट बटन में अगर मुझे करना होगा नोटिफिकेशंस को, और यहाँ पे मैं आइकन असाइन कर दूँ इसको मेन्यू वाला, तो जैसे मैं मेन्यू आइकन को दबाऊंगा आप लोगों को आएगा कि क्या कर रहे हैं. तो CNB जो कस्टम नेविगेशन बार है उसको आपको ऑलवेज कर देना है जिससे नेविगेशन पैनल खुल जाएगा. टैप खुला, टैप खुला, तो बहुत ईजी तरीके से है. अगर आप लोगों का फ़ोन हद से ज़्यादा बड़ा है तो ये वाला बहुत अच्छे से काम करेगा. तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर, अभी बता रहा हूँ ना क्या करना है. तो यही था इस ऐप के बारे में, इस ऐप को आप लोग यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और इसके अंदर और भी ज़्यादा फीचर्स आते हैं जो आप लोग पैसे दे के थोड़े बहुत इसको ठीक कर सकते हो. तो बस इस वीडियो में बस इतना ही. सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को करना लाइक और करना कमेंट, नीचे अपने क्वेश्चंस या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो फिर वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर देना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि सब्सक्राइबर जरूरी है, या चैनल को थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, कर लो यार सब्सक्राइब. क्योंकि आज ये था, ये फर्स्ट वीडियो था इस सीरीज का, तो अगली तीन वीडियोस भी आएंगी अगले फ्राइडे या फिर अगले के अगले फ्राइडे. तो अगले फ्राइडे एक और नई वीडियो आएगी 12 बजे के आसपास. तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाली हैं और आप लोगों को मिस भी नहीं करना है. तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को मिलूंगा अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, बाय.